Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Asanuddha from mathhimath.com. Let's start with question number 10 of exercise number 4.1. The statement of this question is y minus 6 plus y square root is equal to 0. अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो y है, y क्योंकि यहाँ पे constant sorry variable है, variable की value को हमने find out करना है. तो यहाँ पे ये जो y minus 6 है, इसको हम एक equation के दूसरी side पर ले जाते हैं. तो ये यहाँ पे क्योंकि ये y plus में है, ये 6 minus का है, ये equal के side पर जाके y minus में आ जाएगा और 6 plus में आ जाएगा. इसके बाद यहाँ पे हम क्योंकि ये वेरिएबल के साथ माइनस साइन है, सो हम इसमें से माइनस साइन को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं. माइनस साइन को कॉमन लिया तो ये वाई के साथ से ये माइनस साइन उतर गया, यहाँ पे प्लस आ गया और ये सिक्स के साथ जो माइनस प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा. अगर आप इस माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट यही आ जाएगा. अब हम ऐसे करते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों साइड पर हम स्केयर ले लेते हैं. स्केयर लेने की वजह ये है क्योंकि ये y का स्केयर रूट है, जब इसका स्केयर लेंगे तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो अब हमने यहाँ पे इसका दोनों साइड पर स्केयर ले लिया, ये हमारे पास स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास y आ गया सिंपल. अब इक्वेशन की इस साइड पे कुछ ये हुआ कि ये है माइनस का स्केयर, माइनस का स्केयर है वो बन जाता है प्लस, यानी ये हमारे पास प्लस आ जाएगा. अब बाकी हमारे पास आ गया y माइनस 6 का होल स्केयर. अब ये जो y माइनस 6 का होल स्केयर है, इसको हम इस फार्मूला से ओपन करते हैं. अब आप इसे ये सपोज कर लें कि ये a है और ये b है, तो ये आ गया a माइनस b का होल स्केयर. तो a माइनस b का होल स्केयर होता है हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab. तो ये आ गया a का स्केयर, ये आ गया b का स्केयर यानी 6 का स्केयर, यानी प्लस b का स्केयर, 6 का स्केयर 36 माइनस 2 इंटू a है हमारे पास y और b है हमारे पास 6. तो ये 6 इंटू 2 12, तो ये इस तरह से ये माइनस 12y इस तरह से आ गया कि ये माइनस 2ab है, तो ये माइनस 12y आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. अब यहाँ पे कुछ होगा ये कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्केयर माइनस सॉरी प्लस 36 माइनस 12y. अब ये जो ये y है, आप इसको भी इक्वेशन के इस साइड पर लिए, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 12y माइनस वाई. ये y इधर प्लस का है, इधर से इक्वेशन के इस साइड पर आ गया तो ये माइनस वाई आ जाएगा प्लस 36. अब यहाँ पे हम इसके पेयर्स बना लेते हैं. इसके पेयर्स कुछ इस तरह से बनेंगे कि यहाँ पे ये है हमारे पास 36 और यहाँ है 1. इसे थोड़ा सॉल्व करता हूँ. ये 1 है और ये 36 है, 1 और 36 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 36. अब इसके हम पेयर बनाते हैं 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12 और 4 इंटू 9. अब इन तमाम पेयर्स में से और एक और पेयर हम इसका 6 इंटू 6 भी बना लेते हैं, तो ये तमाम मल्टीप्लाई होकर 36 बना रहे हैं. 18 इंटू 2 36, 12 इंटू 3 36, 9 इंटू 4 36, 6 इंटू 6 36. अब इसमें से वो पेयर हमें सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आ जाए. तो आप देखें कि फर्स्ट किया 36 में हम 1 को ऐड करते हैं तो 37 आ जाएगा, 36 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 35 आ जाएगा. इसी तरह से इनमें अगर देखा जाए तो बेस्ट सूटेबल जो पेयर है वो 9 और 4 का है. अगर यानी 9 और 4 को हम ऐड अप कर दें तो हमारे पास 13 आ जाता है. तो ये 13y को इसी तरह से हम स्प्लिट अप कर लेते हैं 9 और 4 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर. ये जो 13y है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36. नेक्स्ट इन दोनों में से हमने y को कॉमन ले लिया, y को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया y माइनस 9. इन दोनों में से हम माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो ये भी हमारे पास y माइनस 9 आ जाएगा. अब आप अगर यहाँ देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ भी y माइनस 9 है, यहाँ भी y माइनस 9 है. इन दोनों में से y माइनस 9 को कॉमन ले लें तो ये इधर हमारे पास एक y और इधर हमारे पास माइनस 4,
तो इस तरह से ये हमारे पास y माइनस फोर बच गया। अब यहाँ पे ये दोनों पेयर्स जीरो के इक्वल है, तो हम इन्हें टर्न बाय टर्न जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो आ गया और y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब यहाँ पे y की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये माइनस नाइन इक्वल के साइड पर आके ये प्लस नाइन हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस फोर इक्वल के साइड पर आके प्लस फोर हो जाएगा। सो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो नाइन और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास फोर आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ हिमाथ.com।